Good morning class I am a faculty of Premchand Memorial Public School and today we are going to read the chapter number 1 of English grammar textbooks of class 7th and the title of the chapter is sentences So if we talk about sentences as per the definition given in the book a sentence is a grammatical unit made up of a group of words that make complete sense by itself तो एक सेंटेंस एक ग्रामेटिकल यूनिट है यानी कि एक व्याकरणिक इकाई है जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलकर बनी होती है ठीक है और सेंटेंस की एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो कंप्लीट सेंस बनाए तो इस एक डेफिनेशन में तीन बातें बोली गई हैं पहला कि वो ग्रामेटिकल यूनिट होना चाहिए दूसरा कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए और तीसरा कि वो कंप्लीट सेंस बनाए okay now there has been given an exercise on the same page number that is practice time one so let's take the example the very first example okay so the first example is identify sentences from the following list one has been done for you so what we have to do we have to identify the sentences from the group of words we have to judge on the basis of our understanding of the previous definition whether the given ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज़ अ सेंटेंस और नॉट तो हमें ये पता लगाना है अपनी पहली अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अपनी डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कि जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं कि क्या ये सेंटेंस बना रहे हैं या ये सिर्फ ग्रुप ऑफ़ वर्ड्स हैं तो अगर हम फर्स्ट जो कि पहले ही करा जा चुका है हम आपके लिए कर रखा है बुक में तो उसकी बात करें तो वी आर हैप्पी टू रिसीव यू एज आर गेस्ट सो सेंटेंस में बोला जा रहा है कि हम बहुत खुश हैं आपको अपने गेस्ट के तौर पर रिसीव करके ठीक है तो कौन खुश है हम खुश हैं क्यों खुश हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर गेस्ट आए हैं तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसमें कौन और क्यों बहुत ही साफ साफ क्लियर हो रहा है तो इसलिए ये एक सेंटेंस का एग्जाम्पल है तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये सेंटेंस का एग्जाम्पल है सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ वन लेट्स सपोज वी आर डूइंग फिफ्थ वन तो फिफ्थ वन स्टेट्स दैट ग्लैड टू सी यू इसका मतलब होता है ग्लैड मतलब होता है खुशी ठीक है सी यू टू सी यू मतलब आपको देख कर तो आपको देख कर खुशी हुई ये कौन कह रहा है और किसके लिए कह रहा है ये चीज़ क्लियर नहीं है राइट द पर्पस एंड द डूअर इज़ नॉट क्लियर हेयर दैट्स व्हाई दीज आर जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इट्स नॉट फॉर्मिंग अ सेंटेंस बिकॉज इट इज़ नॉट टेलिंग विद द अबव क्राइटेरिया ऑफ अवर डेफिनेशन नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट ऑफ दी सेम चैप्टर दैट इज पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है सो नाओ लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट एज यू कैन सी इट हैज़ बिन डिफाइंड हेयर दैट द पार्ट विच मेक्स द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट द सब्जेक्ट यूजअली कम्स एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस तो किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट जो कि हमें ये बताता है या जो कि उस पर्सन को या फिर उस चीज़ को या फिर उस प्लेस के बारे में क्लियर कर देता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है वो पर्सन हो सकता है वो प्लेस हो सकता है वो कोई चीज़ हो सकती है वो कोई इमोशन हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में भी बात हो रही है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं और सब्जेक्ट की क्या खासियत है सब्जेक्ट की खासियत ये है कि सब्जेक्ट हमेशा शुरुआत में आता है now let's move on to the next page and on the next page it has been given the definition of predicate as you can see here the above portion The we have already studied subject on the previous page now we are going to study the predicate part the part which tells us more about the person or thing or what they do forms the predicate of a sentence the verb is always a part of predicate तो सेंटेंस का एक पार्ट हमने देख लिया कि हम जिसके बारे में बात करें उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं लेकिन उसी सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में क्या हो रहा है यानी कि पहले हमने देखा जैसे कि आप माने कि एक सेंटेंस है आ, राम घर जाता है ठीक है राम गोज टू होम तो इसको हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे राम घर जाता है तो दी इंग्लिश ट्रांसलेशन बिकम्स राम गोज टू होम तो अगर मैं इसको आपको हिंदी में समझाऊँ राम घर जाता है तो राम क्या हुआ हम राम के बारे में बात कर रहे हैं ना कौन घर जा रहा है राम घर जा रहा है तो क्योंकि हम राम के बारे में बात कर रहे हैं तो राम हो गया सब्जेक्ट अब सब्जेक्ट क्या कर रहा है कैसे कर रहा है किस लिए कर रहा है ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बाकी का पार्ट होता है सेंटेंस का और ये प्रेडिकेट बनाता है जैसे राम घर जा रहा है राम हो गया सब्जेक्ट और घर जा रहा है हो गया प्रेडिकेट तो हमेशा याद रखो जाना खाना पीना दीज आर कॉल्ड एज़ वर्ब्स यू मस्ट हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड कि इन सारी चीज़ों को हम वर्ब कहते हैं और वर्ब हमेशा प्रेडिकेट का पार्ट होता है तो जैसे कि सब्जेक्ट की क्या क्या सब्जेक्ट की खासियत होती है क्या सब्जेक्ट का पहचानने का तरीका होता है कि वो हमेशा शुरुआती शुरुआती फॉर्म में आता है सेंटेंस की और अगर हम प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट का पहचानने का तरीका होता है कि जहाँ से वर्ब स्टार्ट होने लगती है वहाँ से प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है क्योंकि एक वर्ब हमेशा प्रेडिकेट का पार्ट होता है ओके सो देर आर सम मोर एग्जाम्पल गिवेन ऑन दिस पेज एज यू कैन सी लेट्स सपोज द सेकेंड वन द प्रेडिकेट मे हैव एन ऑब्जेक्ट लाइक

सो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है प्रैक्टिस टाइम टू तो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ क्वेश्चन क्या है अंडरलाइन दी सब्जेक्ट एंड एंसर कल प्रेडिकेट इन देंटेंसेज बिलो वन हैज़ बीन ऑलरेडी डन फॉर यू राइट तो इसके इन सारे सेंटेंसेस के अंदर पहले हमने प्रैक्टिस टाइम वन में हमने ये चीज़ पता लगाई कि इसमें सेंटेंस क्या है और खाली ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हैं अब हम प्रैक्टिस टाइम टू में सेकंड एक्सरसाइज में हम ये पता लगा रहे कि सेंटेंस का कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है और कौन सा पार्ट प्रेडिकेट है तो आपके लिए एक ऑलरेडी किया हुआ है बुक में सॉल्व वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ़ ट्रीज कॉजेज़ ग्लोबल वार्मिंग यानी कि अगर हम पेड़ों को नष्ट करते हैं डिस्ट्रक्शन होता है नष्ट करना ट्रीज़ मतलब पौधे ऑफ़ यहाँ पे कॉकल यूज़ हो रहा है तो अगर हम पेड़ को नष्ट करते हैं पेड़ों को चोट पहुँचाते हैं या पेड़ों को नष्ट करते हैं तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है तो आप देख सकते हो कॉजेज यू कैन सी एयर काज़ तो कॉजिज़ इज़ अ वर्ब और मैंने बताया था जहाँ से वर्ब स्टार्ट हो जाती है वहाँ से आपको प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है ठीक है और डिस्ट्रक्शन ऑफ़ ट्रीज़ यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है पेड़ के डिस्ट्रक्शन के बारे में बात हो रही है जैसे मैंने पहले बताया था कि जो सब्जेक्ट है ज़रूरी नहीं कि खाली नाम प्लेस और आ, नाम प्लेस हो ये ज़रूरी नहीं है कोई इमोशन कोई काम भी हो सकता है लेकिन उसके बारे में हमें उसके बारे में हम बात कर रहे हों ठीक है तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं जैसे हम यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हैं हम डिस्ट्रक्शन ट्रीज़ के डिस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज इज़ अ सब्जेक्ट है एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट ओके सो इट्स वाज वेरी सिंपल नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज़ सपोज आई टेक द क्वेश्चन नंबर सिक्स सिक्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ अवर एनवॉमेंट हमें अपने इन्वामेंट की रक्षा करने की ज़रूरत है देखभाल करने की ज़रूरत है ठीक है तो यहाँ पे वी जो है ना कौन देखभाल करेगा हमें किसको ज़रूरत है हमको ज़रूरत है ना तो ये वी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है और जैसे मैंने आपको बताया था नीड इज़ अ वर्ब ज़रूरत एक अपने आप में एक क्रिया है तो नीड के बाद वाला सारा पोर्शन प्रेडिकेट है सो आई सपोज दिस हैज़ ऑलरेडी बीन क्लियर टू यू नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज नंबर

जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं सेकेंड इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सो एज यू कैन सी डेक्लेटिव इंटेरोगेटिव इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी इट हैज़ ऑलरेडी बीन कैटेगराइज इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट इन योर बुक सी इफ़ आई शो यू मार्क यू है तो ऐसे जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ना इसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट ठीक है तो ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको बताया जा रहा है बुक में कि कितने तरह की सेंटेंसेस होते हैं चार ओके असर्ट डेक्लेटिव को ही असर्टिव कहते हैं फिर इंटेरोगेटिव फिर इम्पेरेटिव फिर एक्सक्लिमेटिव तो अगर अब हम बात करें डेक्लेटिव सेंटेंस की तो डेक्लेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि आपने कुछ डिक्लेयर कर दिया आपने कुछ बोल दिया कुछ स्टेटमेंट दे दी कुछ असर्शन दे दी तो इसको हम कहते हैं डेक्लेटिव सेंटेंस ओके सो डेक्लेटिव सेंटेंस आर ऑफ टू टाइप्स एफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस एफर्मेटिव को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं तो जिन भी सेंटेंसेस में नॉट लगता है वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस और जिन में नॉट नहीं लगता है लेकिन वो स्टेटमेंट होते हैं तो उनको हम कहते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स या फिर एफर्मेटिव सेंटेंस डन तो हमने अभी कंप्लीट किया है एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस राइट और ये किसके पार्ट हैं ये डेक्लेटिव के पार्ट हैं नाउ लेट्स ऑन टू द इंटेरोगेटिव sentences so interrogative sentences are basically categorized based on the condition that you are asking something or someone from from uh, any part of the sentence is asking something right so you have to ask something in order to get the interrogative sentence so let's uh, talk about this yes no question for an example it's very simple इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आप आप या फिर कोई भी कुछ सवाल पूछ रहा हो ठीक है तो उनको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस तो अगर हम अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो जैसे डू यू लाइक टू स्टडी इंग्लिश तो आपने देखा होगा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक बहुत ही सिंपल सी पहचान है जिन भी सेंटेंसेस के बाद में क्वेश्चन मार्क आ जाए क्वेश्चन मार्क आई होप सबको पता हो ये वाला जो पॉइंट है ना ये ये पोर्शन ये ऐसे करके ये वाला इसको कहते हैं हम क्वेश्चन मार्क और ये बहुत ज़रूरी होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है तो ये बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है इसको जानने के लिए और नेक्स्ट इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस इम्पेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि हम किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं एडवाइस कर रहे होते हैं इन तीनों में से अगर कोई भी एक काम हो रहा है किसी भी सेंटेंस में तो उसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इंस्ट्रक्ट करने का मतलब होता है आप किसी को कमांड दे रहे हो चलो ये करो ये करो ऐसे करो काम करो बुक की एक्सरसाइज करो तो ये सारे क्या हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है क्योंकि मैं इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ आपको कि पढ़ाई करो तो जैसे कि टेक डाउन वॉट वॉट आई से सारी बातें लिखो जो मैं बोल रही हूँ तो ये क्या हो गया मैंने आपको इंस्ट्रक्ट किया कि आपको ये करना है आप ये करो तो इनको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ओके अब नाउ लेट्स टेक दी सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज़ रिक्वेस्ट सो रिक्वेस्ट करना क्या होता है कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आ, जैसे कि प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी कृपया मेरे लिए आप डोर खोल दो तो रिक्वेस्ट रिक्वेस्टिंग सेंटेंसेस की एक खास बात होती है कि वी यूज़ वर्ड प्लीज़ वेरी ऑफ़न तो जहाँ भी प्लीज़ यूज़ हो रहा है वो हम रिक्वेस्ट हो रही है और जहाँ रिक्वेस्ट हो रही है वो कौन सा पार्ट हो गया सेंटेंस का इम्पेरिटिव पार्ट हो गया ठीक है अब लास्ट लास्ट तरीका है इम्पेटिव सेंटेंस को जानने का वो है एडवाइस आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं ठीक है आप किसी को सलाह दे रहे हैं तो जैसे कि बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड रोड क्रॉस करते वक्त सावधान रहें तो आपने किसी को सलाह दी किसी को पहले ही आपने सचेत कर दिया कि जब भी आप रोड क्रॉस करें आप सावधान रहें तो जहाँ भी केयरफुल जैसे वर्ड यूज़ होते हैं वहाँ पे हम लोगों को एडवाइस कर रहे होते हैं और जहाँ एडवाइस कर रहे होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है ओके सो हेयर एडवाइस रिक्वेस्ट कमांड राइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब भी आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं जैसे कि um, आप एक्सक्लेम्ड रहते हैं आप स्ट्रेंज रहते हैं आप शॉक्ड रहते हैं तो इन सारी चीज़ों को जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो वो सारे सेंटेंसेस कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी excl सेंटेंस जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक पहचान था कि आपके पास एक सेकेंड पॉइंटर आपके पास क्वेश्चन मार्क आता था वैसे ही इम्पेरेटिव सेंटेंस का क्या पहचान है कि आपके पास एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है और एक्सक्लेमेटरी मार्क कैसा होता है ऐसा होता है एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लिमेटरी जो मैंने आपको स्क्वायर में डाल के दिखाया ना ये है एक्सक्लेमेटरी मार्क तो जहाँ भी एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सो लाइक दिस आई हैव टोल्ड यू ऑलमोस्ट ऑल द कंडीशन एंड द होल चैप्टर ऑफ सेंटेंसेस नाउ इन योर बुक देयर आर सम मोर इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स गिवन जस्ट गो थ्रू देम इन केस यू हैव एनी डाउट जस्ट कॉन्टैक्ट मी विल बी सेंडिंग यू the um, answer key of it but before i send you this i need you all to try this at your home right and in case of any query yes you are you are most welcome to ask right now i hope everything is clear so stay safe stay indoors and